মৌদিম হলে হাই কৰি দিম মোৰ ভিডিঅটো হাই দি হলি দিম মাথাত দিম না মাথাটো এনেও ধুবাই লাগিব আৰু আৰু এটাক দিম চব মান্য দিছোঁ অকণমান মৌদিম মৌদিম বাবু দাদাক মৌদিম এইফালে বাবু আৰু আমাৰ মাকো দিম না অকণমান आप सबको मेरे तरफ से इस होली का हार्दिक शुभकामना और प्लस ये होली आप लोगों के लाइफ में बहुत सारे रंग बिखेर दे यही मैं प्रे करती हूँ भगवान को क्योंकि हम सब के जीवन में बहुत कुछ दुख कुछ कुछ है जिससे हम हमेशा मतलब थोड़ा थोड़ा दुखी रहते हैं तो मैं भगवान से प्रे करूँगी कि इस साल का होली आप लोगों का बहुत अच्छा हो प्लस ये साल भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो और रंगीन हो तो मुझे भी विश कर दीजिएगा। हाँ तो आज है होली और मैंने अपना नया व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है और आप लोगों का होली कैसा जाता है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और मैं घूम घूम के वीडियो बना रही हूँ। तो बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ मतलब घर पे शूट कर रही हूँ तो वीडियो मैंने बहुत कुछ बना के रखा था जो मैंने ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी तो इसलिए ऐसे शूट करने का मौका ही नहीं मिला। फिर मैंने कल आज बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मुझे ना मेहंदी लगवाने हैं अपने हाथों में तो खुद से लगवाना है क्योंकि मैं पहले लगाती थी और अच्छा ही लगाती थी बहुत बुरा नहीं लगाती थी लेकिन मेरा प्रैक्टिस नहीं अभी ख़त्म हो गया है क्योंकि 2-3 साल हो गया शायद मैंने खुद से मेहंदी लगवाया ही नहीं कभी और कभी भी लगवाया है तो वो भी दूसरे ने लगा दिया है मुझे तो मुझे वो प्रैक्टिस भी करना है कि अच्छे से थोड़ा तो मुझे लगाना आना चाहिए है कि नहीं। तो मैं सोच रही थी कि मैं मेहंदी लगाऊंगी प्लस व्लॉग भी करूंगी लेकिन क्या हुआ कि ऐसे टाइम की वजह से कुछ नहीं मिल रहा था इसलिए तो कल भी मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग बनाऊंगी। फिर मेरे साथ क्या हुआ कि मैं ब्लॉग शूट करने ही वाली थी फिर एक ब्लॉग था जो मैंने एडिट ही नहीं किया था तो एडिट किया उसके बाद मैंने रिसाइज पे लगाया तो क्या हुआ कि रिसाइज जब करते हैं तब कैमरा ना अच्छे से वॉक नहीं करता इसलिए मुझे कल वीडियो में कल शूट नहीं कर पाई। फिर मैंने सोचा इस बार का होली तो हम लोगों से खेला नहीं होगा जाएगा मतलब क्योंकि हमारे यहाँ पर मतलब आई थिंक सब जगह पर ही ये प्रॉब्लम हो रहा है कि पानी का बहुत कमती हो गया है कटौती हो गया है तो इसलिए पानी की वजह से लोग ना शायद इस बार होली भी नहीं खेलेंगे। मैंने ऐसे थोड़ा सा खेला बच्चों के साथ जो आप लोगों ने व्लॉग के पहले फर्स्ट में ही देख लिया है तो इतना सा ही था हम लोगों का होली ज़्यादा नहीं था तो इसलिए ही हम लोग नहीं खेलेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के घर पे ना पानी का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है तो होली खेलेंगे तो और ज़्यादा पानी का प्रॉब्लम होगा क्योंकि ज़्यादा पानी यूज़ होगा। अभी बोल बच्ची ना लेके भी आई मैंने बोला नहीं देना है क्योंकि पानी नहीं है तो ऐसे सूखी सूखी ही होली खेलेंगे कोई पानी वाला होली तो हम लोग खेलेंगे नहीं और सिर्फ फेस पे ही लगाएंगे क्योंकि गंदा नहीं होना है हम लोगों को। मम्मी तो खेली ही नहीं मम्मी नहीं खेलना चाहती है तो मैं अभी छाँव में आ चुकी हूँ क्योंकि मैंने इतना बात कर लिया तो इसलिए छाँव में आई हूँ अभी अच्छे से बात करेंगे। तो और हमारे सामने वाले जो घर पे लोग रहते हैं ना वो लोग भी ये व्लॉग देखते हैं तो वो लोग तो ऐसा खेल रहे हैं मतलब सुबह जब मैं उठ के ब्रश कर रही थी ना तब ही वो लोग एकदम रंगीन हो चुके थे मतलब सुबह से उन लोगों ने गाना बजाया कल से उन्होंने गाना बजाना स्टार्ट कर दिया है उसके बाद वो लोग सुबह से अपने धुन में मगन है मतलब पूरा खेल रहे हैं और हमारे तो सिर्फ मैं ही खेलती हूँ। मम्मी को मैं बोलती हूँ कि मम्मी ओ मुझे बुला रहे हैं होली के लिए ओ ओ माँ इमान खेल इमान लेतरा कर Yeah.
दी शाम हैप्पी होली বস্তাটোত ভৰি দেও দে চকুৰ যা বন্ধ কৰ তই মোকে দি আৰু দিবি बंदर बन ही चुकी हूँ, ये मेरा हालत है और मम्मी घर से नहीं निकल रही और मम्मी नहीं निकलेगी हम लोग फिर से जाएंगे और अभी और दरवाजा अभी नहीं क्या गाइस और हम चल पड़े रुकिए मैं दरवाजा ऑफ कर लेती हूँ गाइस आप लोगों को अभी बोला था कि पानी नहीं है होली नहीं खेलेंगे फिर क्या हुआ आप लोगों को पता है पूरा घर गंदा हो गया मेरा अभी मैं साफ करके निकली थी और उसके बाद मैंने सोचा कि व्लॉग बनाएंगे कैमरा हाथ में फ़ोन हाथ में लिया फिर क्या हुआ लोग आ गए होली देने एक सेकंड लोग आ गए होली देने फिर मैंने क्या किया कि होली मैंने बाहर बाहर ही लिया मम्मी नहीं निकल रही थी तो लोग अंदर चले गए तो घर पूरा होली होली हो गया पानी नहीं है और ये नीचे देखिए वहाँ पे यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना पूरा खेल रहे हैं आप लोगों को अगर आप लोग जूम करेंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा अरे मैं चलती हूँ ओ इस तरफ भी चल रहा है गाइस मैंने सोचा था कुछ और व्लॉग करेंगे इस व्लॉग में नहीं होगा आई एम सॉरी नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को शायद देखने को मिलेगा मैंने सोचा हेयर ऑयलिंग भी शूट करेंगे नहीं होगा और अभी हम लोग जा ही रहे जा ही रहे जा ही रहे अमोजम मांगो तो मैं और यहाँ पे भी चल रहा है पूरा हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली को हैप्पी होली
डांट कैसे दिख रहे हैं ऑरेंज के पीस पे। छी, कोई नहीं, मुझे शर्म नहीं है ये फोन पे ना। आउच, हम फिर से जा रहे हैं। मुझे लगता है मेरा फोन ना गंदा हो चुका है कैमरे पे सब पे ना, फोटो खींच गया है, प्लास्टिक के अंदर घुसा के लाना चाहिए। और ये लोग देख ही रहे हैं, हम दूसरे के घर पे आ गए हैं अभी, और अभी हम देंगे दूसरे को। सब लोग सबको दे रहे हैं और लोग बाहर नहीं निकल रहे। होली फटा दिया था, फटाई दी नूनू बता, गुनू बता, আমি যে বাধা দিলাম হয়ে যাব। কিবা বনাই বলে গুম্বা কালি साफ सुथरे लोगों को देने में क्या मजा आता है। मैंने अभी तक मम्मी को दिया ही नहीं है। माथा भी हुच्ची, माथा दरदरा है गाइस। आप लोगों को ना आज ना मम्मी कोविड के ऊपर ना एक वो सुनाएगी, क्या ऐसे ऐसे सुनाएगी, आप लोग क्लब में बने रही है सुनाएगी ना मम्मी। अभी चीन में है, शगुन है ना, शगुन है, हगा है, हगा है, कभी उत्पत्ति होता है। और सुनने को मिलेगा, ब्लॉग पे बने रही है, घर पे जाके सुनाएंगे है ना मम्मी। ठीक है, हैप्पी होली। बाप और ना नहीं दी यहां तक तू ही जाना। हां और ना है घोरा गया हम लोगों का ये पानी नहीं, मम्मी बोल रही पानी नहीं था इसलिए टेंशन ले रहे थे। उफ राम, मुझे कैसा दिख रहा है, मम्मी बोल रही है कि पानी नहीं था इसलिए टेंशन ले रहे थे। लेकिन अभी क्या होगा, मेरा मैंने सोचा था कि हेयर पे तो बिल्कुल नहीं लगने देंगे, सिर्फ वो क्या फेस पे ही लगाएंगे। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, उसके बाद मैं भी बच्ची बन ही जाती हूँ, आदत से मजबूर, तो इसलिए हो गया। अभी होली है, वो साल में एक ही बार आता है तो नहीं लगाएंगे क्या। और यहाँ पे पूरा गाना बजाना चल रहा है, हमारे उधर पे भी चल रहा है। रह बाल्टी में थोड़ा रह, हाँ रह। तो गाइस हम दोनों टहलते टहलते मेरा आईब्रोज कितने डार्क हो गया, और मम्मी का हालत देखिए, मैंने तो थोड़ा सा ऐसे कपड़े से साफ कर लिया अभी। क्या हुआ मम्मी, अच्छा हुआ, कैसा लगा? बहुत बढ़िया गाइस, मेरा हालत तो देखिए कैसा लग रहा है। लोग होली लगा के सुंदर दिखते हैं और मैं होली लगाने के बाद गंदी दिखती हूँ। और मम्मी का देखिए, ये इसका भी कलर सेम और फेस का भी कलर सेम। होली खेले,
মদন গোপাল খেলে সিঙ্গার সিঙ্গার আই হে ঘর পে সিঙ্গার और यहाँ पे बहुत गंदी तरीके से खेला जाता है, तो मैं अभी घर पे ताला लगाऊंगी और हम लोग पीछे के अभी हम लोग पीछे की तरफ ही बैठे हैं हुए हैं, तो हम लोग पीछे की तरफ बैठे रहेंगे और सामने में ताला लगा देंगे ग्रिल में। चलिए हम लोग वो करते हैं। वेट ए सेकंड, हम लोग ताला लगा देते हैं। ले लिया ताला, ओ इधर तो मैंने खोला ही नहीं अंदर से। ये देखिए दिमाग वाले लोग, हम लोग ऐसे ताला लगा के इधर से जाके उधर से भी निकल सकते हैं। वेट सेकंड, तो मैं जहाँ बैठी थी मैं वहाँ ही पहुँच गई, तो मैं यहाँ तो आऊँगी उधर पे ताला लगा के। ऑफ कर दिया, फिर ये भी ऑफ कर दिया, फिर इसको लगा डाला, तो लाइफ। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखिए ताला लगा दिया और ये चप्पल भी ले लिया और हम लोग उधर से जाके घर के अंदर घुस जाएंगे। तो ऐसा असल में ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे लगता है, लेकिन लेकिन पानी नहीं है गाइस, सच्ची में पानी नहीं है। और अगर कोई मतलब अभी कुछ लोग आए हैं, मुझे जो दिखा मतलब वो लोग आए हैं, तो वो लोग ना गंदा कर देंगे पूरा। अभी ये तो धुल जाएगा, कम पानी में ही धुल जाएगा, लेकिन वो लोग ना पूरा एकदम गंदा करने में तुला हुआ होता है, तो इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। तो अभी मैं थोड़ा सा झाड़ू लगा देती हूँ, पूरा होली होली हो गया ना घर, तो थोड़ा सा झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद बात करते हैं। हम लोगों ने खाना वाना बना लिया है, तो ताला लगा के कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि लोग आ ही गए और आप अंदर कैसे ही रह सकते हैं। और ये देखिए लाइन लगा के लोग जा रहे हैं ये नीचे वाले घर पे, जहाँ पे मैंने बोला था बहुत ज़्यादा वो होता है, तो मैं भी जा रही हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी। लेट्स गो, अभी वहाँ पे होगा एकदम गाना बजा बजा के डांस, आप लोगों को दिखाएंगे। प्लीज़ बने रहिए मेरे ब्लॉग पे। आज ब्लॉग का मैंने शुरू किया था कुछ और बोल के और हो गया कुछ और। के मैं आ गई, पता नहीं आप लोगों को दिखा सकी कि नहीं, मुझसे वीडियो हुआ ही नहीं, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि होली के दिन जब कोई होली दे रहा होता है तो फ़ोन हाथ में रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फ़ोन भी गंदा हो जाता है। तो मैं ये भूत बन के आ गई और अभी इसके बाद मैं कुछ शूट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ शूट कर दिया है आज। और ब्लॉग का जो मैंने स्टार्टिंग किया था कि मेहंदी लगाएंगे, हेयर ऑयलिंग बताएंगे, वो कुछ नहीं हुआ, वो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में शायद देखने को मिले, क्योंकि आज होली है और संडे को मेरा एक ट्रैकिंग भी होने वाला है। आई थिंक कहीं कहाँ पे जाऊंगी, कैसे होगा, वो सब आपको उस ब्लॉग में ही देखने को मिलेगा। तो मैं देखूँगी आज कौन सा, आज तो फ्राइडे हो गया, तो अगर मैं कल शूट करूँ वो वीडियो और परसों भी मैं अगर शूट करूँगी तो कैसे अपलोड करूँगी उसको भी देखना पड़ेगा, तो वीडियो थोड़ा लेट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या करूँगी मैं, अच्छे से सोच समझ के करूँगी। अगर शायद कल नहीं लगाएंगे, नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कल नहीं मिलेगा, मतलब कल का वाला नहीं मिलेगा जो मैं हेयर
वीडियो आप लोगों को संडे का मिलेगा जो मैं ट्रैकिंग पे जाऊंगी, तो वो भी आप लोग देखिएगा और मैं लगा दूंगी इस वीडियो के बाद प्लेलिस्ट में लगा दूंगी, प्लेलिस्ट नहीं आई बटन पे लगा दूंगी। तो बाय बाय, सी यू सून, और खुश रहिए, हैप्पी रहिए और प्यार बांटिए और बहुत अच्छे से होली खेलिए। हैप्पी होली टू ऑल माय सब्सक्राइबर और मम्मी की तरफ से हैप्पी होली। तो बाय बाय गाइस, हम दोनों ग्रीन ग्रीन हो चुके हैं, हमने पेड़ काटा ना इसलिए हम लोगों ने ग्रीन होली लगाया कि पूरा पर्यावरण फिर से ठीक हो जाए। और हमारे यहाँ पे कितना ठंडा ठंडा हवा आता है। बाय।